दोस्तों प्रोफेशनल तरीके से फोटो को एडिट करने के लिए उसके बैकग्राउंड को रिमूव करना काफ़ी ज़रूरी होता है। साथ ही अगर आप पासपोर्ट साइज के एक अच्छे फोटो बनाना चाहते हैं तो पासपोर्ट साइज के अच्छे फोटो बनाने के लिए भी उसके भी बैकग्राउंड को रिमूव करना काफ़ी ज़रूरी होता है। दोस्तों हमें मुश्किलें आती है बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने फोटो को बैकग्राउंड को सिर्फ एक क्लिक करके अपने फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं इम्तियाज यूट्यूबर चैनल। आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अपनी फ़ोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन करके और आपको ये वाला एप्लीकेशन दोस्तों डाउनलोड करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना है। तो हमने डाउनलोड कर लिया है, अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको कुछ परमिशन मांगेगा, उस परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही दोस्तों यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है लोड फोटो, इस लोड फोटो पर क्लिक करेंगे। लोड फोटो पर क्लिक करते ही आपकी गैलरी खुल जाएगा। दोस्तों गैलरी में से आपको जो भी फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करना है उस फोटो को आप क्लिक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों हमने फ़ोटो को ऊपर क्लिक कर लिया, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आप फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि हमें बैकग्राउंड इरेज करना है तो हम इसको क्रॉप भी कर लेंगे तो हमारा चलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद यहाँ आपके सामने दोस्तों शो हो रहा होगा डन, इस डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर नीचे आपको पांच ऑप्शन मिलता है, ऑटो, मैजिक, मैनुअल, रिपेयर, जूम। इससे दोस्तों ऑटो करके आप एक क्लिक में बैकग्राउंड पूरा रिमूव कर सकते हैं। दूसरे वाले से भी वही काम होता है। तीसरे वाले से दोस्तों हम मैनुअल में कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक बार क्लिक करके दिखा दूँ। ये गोल वाले बटन है दोस्तों, इसको इस टैब को क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा मैनुअल में बैकग्राउंड इरेज हो रहा है। और उसके बाद में है ये रिपेयर, ये रिपेयर पर क्लिक करके आपने अगर गलती से कहीं पर कर दिया है तो इसको आप इस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों पांचवे वाला जो है इससे आप जूम कर सकते हैं इस प्रकार के, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जूम हो रहा है। तो चलिए हम आपको अब एक क्लिक में रिमूव करके दिखाते हैं। आपको यहाँ पर ऑटो बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ऑटो बटन पर क्लिक करते ही फिर आपके सामने ये वाला जो है दोस्तों, ये लाल वाला बटन, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। ये वाला के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके और घसका के दोस्तों यहाँ पर ऐसे छोड़ना है। तो देखिए हमारा बैकग्राउंड इरेज हो रहा है। दोस्तों सबसे बेहतर बैकग्राउंड तभी इरेज होता है जब आपके बैकग्राउंड में अगर ग्रीन कलर का हो या रेड कलर की हो या ब्लैक कलर की हो तो अच्छा इरेज होता है, लेकिन दोस्तों इससे भी काम लायक अपना हो जाता है। तो हम इस प्रकार से दोस्तों ऐसे करके बैकग्राउंड को इरेज कर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में ही हमारा बैकग्राउंड इरेज हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर कहीं कहीं आपको छूट जाता है तो आप इस मैनुअल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो मैनुअल वाले ऑप्शन है दोस्तों, इसका ऊपर में क्लिक करेंगे और क्लिक करके ये अंदर अंदर के छूट जाता है ना, तो इसके द्वारा आप इसके मदद से ये वाला जो बटन है दोस्तों, आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बड़ा छोटा हो रहा है, तो हम दोस्तों इसको छोटा करके ये हमारे अंदर अंदर के अच्छे से इरेज कर लेंगे। जब आप इतना इरेज कर लेंगे तो करने के बाद फ़ोटो को जूम करेंगे। फ़ोटो को जूम करने के बाद अच्छे से फ़ोटो को जूम कर लेंगे, पूरा जितना जूम होता है उतना जूम कर लेंगे। और फिर इसके साइडों में ये देख रहे हैं साइडों में हमारा छूट गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, जहाँ से हमारा फ़ोटो शुरू होता है मैनुअल पर क्लिक करेंगे और ये बटन को दोस्तों हम लोग बड़ा कर लेंगे। और करने के बाद इस प्रकार से दोस्तों साइडों में पूरे अच्छी प्रकार से कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको स्पीड में करके दिखा देता हूँ ताकि टाइम कम लगे, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दूंगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपके हेयर में भी वाइट वाइट दिखेंगे, बैकग्राउंड का जो कलर है वो दिखेंगे, तो हल्का हल्का हेयर को भी कट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर हेयर को भी हल्का हल्का दोस्तों कट कर देते हैं, ताकि हमारा अच्छा लगे फ़ोटो देखने में और काफ़ी फिनिशिंग से इरेज हो।
देखिए दोस्तों कितना अच्छे प्रकार से और कितने फिनिशिंग से हमारे फोटो का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो आप दोस्तों इस प्रकार से अपने फोटो को बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर ऑटो पर क्लिक करके और ना हो तो आपको मैनुअल में दोस्तों कर लेना होंगे। मैनुअल में करने से क्या होगा कि आपको फोटो की जो क्वालिटी है और अच्छे से मिलेंगे और अच्छा बैकग्राउंड भी होगा। दोस्तों अगर किसी कारण आपसे अगर कोई गलती हो जाता है, जैसे कि आपका कोई बाल उल हल्का सा कट जाए या चेहरे कट जाए या कपड़े उपड़े हल्का सा ज़्यादा कट जाए, मतलब इरेज हो जाए, तो आप क्या करेंगे कि पहले उसको जूम कर लेंगे इस प्रकार से, और जूम करने के बाद फिर ये वाला जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है दोस्तों रिपेयर, इस रिपेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों इस प्रकार से आप इसको रिपेयर कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से दोस्तों आपको रिपेयर कर लेंगे ताकि देखने में आपका फ़ोटो अच्छा लगे, भद्दा ना लगे। इतना कुछ कर लेने के बाद दोस्तों आपको शो हो रहा होगा डन बटन, इसके ऊपर में क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर नंबर शो हो रहे हैं, आप इनमें से दोस्तों थोड़ा सा दो नंबर सिलेक्ट कर लेना ताकि और फोटो स्मूथ हो जाए। इस जगह में दोस्तों आपको सेव शो हो रहा होगा, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप इसको व्हाट्सएप पर सेंड भी कर सकते हैं, किसी को शेयर भी कर सकते हैं स्टिकर। दोस्तों अगर आप इसको JPEG में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों ये आपको कहेगा एक और ऐप डाउनलोड करने के लिए, तो उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो JPEG में ये सेव होगा, नहीं तो दोस्तों ये PNG में सेव होता है। दोस्तों हमें PNG ही रखने होते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने के लिए या कोई प्रोफेशनल फ़ोटो एडिट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे होंगे फिनिश, यहाँ पर क्लिक करके फिनिश कर देंगे तो ये आपके गैलरी में दोस्तों सेव हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारे गैलरी में ये फ़ोटो आ चुका है, और फोटो के ऊपर में क्लिक करते देखिए इसका सारा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने फ़ोटो को बहुत अच्छी तरह से और फिनिशिंग में बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं, और एडिट में जाके इसके कलर वलर वो सब दोस्तों आप एडजस्ट कर लेना जब आप एडिट करोगे। सो गाइस आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट होगा आपके मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।